हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है मैसेजेस के लिए, उनके दिल के मैसेजेस आज आपके लिए क्या है जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो देखते हैं कि अगर सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक है या दिल की बात नहीं कह रहे, तो इन मैसेजेस के थ्रू आपसे आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। Disagreements, new chapter, gossip, unfinished business, damage, and hope. I haven't given up on us yet. So, हाल फिलहाल में आप दोनों के बीच में disagreement या फिर आपके सेपरेशन की वजह डिसएग्रीमेंट हो सकती है। कोई भी बात ऐसी जो जिसके पर आप एग्री नहीं करते, हो सकता है कोई शक हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि कोई ऐसा वादा जैसे कि आप कमिटमेंट चाहते हो और ये अभी वक्त चाहते हैं या फिर ये कमिटमेंट दे नहीं सकते, ऐसी कुछ बात है, लेकिन ये रिश्ता रखना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप उनके साथ हमेशा रहो, तो कुछ बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग या डिसएग्रीमेंट हो सकती है। तो इन्हें मतलब स्पेशली इन्हें सोशल फियर बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कि इनके रिश्ते या पेरेंट्स या सोशल समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो सारी चीज़ों का उनको पहले डर था, अभी वो डर अभी भी है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा ना ये चीज़ें देखने लगे कि दुनिया में ना हर कोई अपने हिसाब से जी रहा है, अपने लिए सोच रहा है, तो ये इतना क्यों सोच रहे हैं कि ये अपनी खुशियों का गला क्यों घोट रहे, ऐसा लग रहा है इस एनर्जी में। और इन्होंने ना मूव ऑन करने की कोशिश की थी कर भी रहे हैं शायद, या फिर कर चुके थे कि इन्होंने कोशिश की कि किसी और रिश्ते में जाएं या फिर कुछ और बारे में सोचे, अपनी ही जो अपनी अदर लाइफ है, पेरेंट्स है, अपनी फैमिली है, अपनी जो दुनिया है उसमें मूव ऑन करने की कोशिश की थी कि चलो यही सोचते हैं, आप अगर मान नहीं रहे, आप समझ नहीं रहे तो क्या करें, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। और जो बिगड़ रहा था ना उसकी वजह से ऐसा लगा ना कि दोनों तरफ एक तकलीफ थी, और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ना कि भले स्पिरिचुअल रियलाइजेशन हो या कहीं से, उनको दिल से तो एहसास हो रहा है कि नहीं, ये सब कुछ या फिर इतना खूबसूरत रिश्ता ऐसे ही ख़त्म नहीं हो सकता, देयर हैज़ टू बी न्यू स्टार्ट, कुछ नई शुरुआत होनी ज़रूरी है, और ये जो अधूरा सा रिश्ता है ना वो पूरा होना भी ज़रूरी है। और इसके लिए ना आपसे कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता नहीं, इस रिश्ते में अभी भी होप है, अभी भी इस रिश्ते में कुछ हो सकता है, बस समझना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। माय लव इज अनकंडीशनल, इनका कहना है कि आपसे किसी कंडीशन के बगैर प्यार करते हैं, यही हो ऐसा हो, बट ये आपसे बहुत प्यार करते हैं ये कहना चाहते हैं। लेट्स शो आवर पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड। कहीं ना कहीं ऐसा लगा ना कि जैसे कल तक तो इंसान को सोशल फियर थी, अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं, उन्होंने देखा है कि मतलब सबके साथ अच्छा हो रहा है, सब अपने हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन जब इनकी बात आ रही थी तो नहीं हो रहा था, इन्हें अपना ही डर लग रहा था समाव कुछ है, तो वे ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी हमें यूनाइट होना पड़ेगा और हमारी यूनिटी की पावर लोगों को दिखानी पड़ेगी। आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज माई इंपॉर्टेंस। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको छोड़ा है, और छोड़ा इसलिए है कि इनका इम्पोर्टेंस इनके अपने आपके रिश्ते में ज़्यादा था, तो अभी चीज़ें उल्टी पड़ गई है, उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। आई अपोलोजाइज फॉर वॉट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू। इन्हें अपनी गलती का एहसास है, इसे ये माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे इन मैसेजेस के थ्रू। आई फील गिल्टी फॉर डाउटिंग ऑन यू। सो आपके ऊपर डाउट भी किया गया था इनफैक्ट, कि जहाँ पे ऐसा लगा ना कि आपने इन्हें चीट कर रहे हो, आप किसी और के बारे में सोच रहे हो या आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, तो अभी गिल्टी फील हो रहा है इनको। आई फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। इन्होंने दूर जाने की कोशिश की, मूव ऑन करने की कोशिश की, सब चीज़ें करने की कोशिश की, लेकिन आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल है, जो अट्रैक्शन है वो जो बढ़ता जा रहा है।
आई नो यू ट्रस्ट मी, इन्हें एहसास है कि चाहे जो भी हो आप इनके पर ट्रस्ट करते हो, ऐसा लगता था, बट अभी ऐसा लग रहा है कि बट आपकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है आप इनके ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, इन्हें ऐसा, इनको पता नहीं क्यों ऐसा टेकन फॉर ग्रांटेड वाली फीलिंग है कि आप इनसे प्यार भी करते हो, आप इंतजार भी कर रहे हो और आप ट्रस्ट भी करते हो, ये बात का मतलब इनको यकीन है। वी आर मेड फॉर ईच अदर, हम मिलने के लिए बने, हम एक दूसरे के लिए बने हैं, ऐसा इनका कहना है। आई एम डाइंग फॉर यू, कम बैक प्लीज़। तो इन्होंने बहुत सारी कोशिशें की आपसे दूर रहने की, लेकिन ये अभी आपको अपनी ज़िंदगी में वापस पाना चाहते हैं। आई स्टिल फील द सेम फॉर यू, ये अभी भी आपसे बहुत सारा प्यार करते हैं और उतना ही प्यार करते हैं जैसे पहली बार किया था, दम फुल ऑन। आई स्टिल रिमेम्बर द फर्स्ट एग्जैक्टली। इन्हें वही दिन याद आ रहा है कि जैसे जिस दिन आप हम यू नो पहली बार मिलते हैं, इनका जैसे मैसेज है कि जिस दिन हम पहली बार मिले थे ना, आपका चेहरा, आपने क्या पहना था, आप क्या बात कर रहे थे, हर चीज़ उनको अच्छे से याद है और ये मेमोरीज है ना उनकी जैसे जहन है, उनकी दिमाग में घूम रही है, वो बहुत मिसिंग एनर्जी है और आपसे बहुत प्यार करना चाहते हैं, प्यार करते हैं ये कहना चाहते हैं इन मैसेजेस के थ्रू, और आपको बहुत मिस कर रहे थे। तो ये थे मैसेजेस उनकी तरफ से, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।